जमालुद्दीन के बेटे मोहिउद्दीन हकानी को वो अपना नया लीडर बनाए और इस समय मोहिउद्दीन हमारे तिहाड़ जेल में बैठा है। टेररिज्म में भी नेपोटिज्म, दैट्स अनबिलीवेबल। सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं, जीत पाओगे। फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म मैदान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपना वीकेंड खत्म कर रही है। और दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों ने यह साबित कर दिया है दोस्तों कि कोई कितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी कर ले, अगर फिल्म अच्छी है तो ऑडियंस उसे देखने जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही फिल्मों के 4 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही फिल्में आज एक बार फिर से शानदार ग्रोथ दिखा रही है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सभी हैटर्स की बोलती बंद कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अजय देवगन और अक्षय कुमार के डाहट फैंस हैं और उनकी इन फिल्मों को देख चुके हैं, और हमें जरूर बताइएगा कि आपको दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म बेटर लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की क्लास प्लस मास एक्टिंग देखने को मिली है और दोस्तों उनकी इस एक्टिंग को एक बार फिर नेशनल अवार्ड मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली मैदान जो कि एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म में अजय देवगन सर आपको सैयद अब्दुल रहीम के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जो कि दोस्तों 1952 में इंडियन टीम के कोच थे और दोस्तों उनके साहस और जुनून ने इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा हम सभी को दिखाया था। दोस्तों बता दें चले आपको कि लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट से बनने वाली मैदान ऑल ओवर इंडिया में मात्र 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म का क्लेश अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से हुआ, लेकिन दोस्तों अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली इस बेहतरीन फिल्म को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। इस फिल्म को दोस्तों किसी ने भी 4 से कम रेटिंग्स नहीं दी, और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन भले ही कम ओपनिंग ली हो, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले दिन पेड प्रीव्यूज को मिलाकर इस फिल्म ने 7 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो मात्र 3 करोड़ रुपए के रहे। लेकिन दोस्तों अपने तीसरे दिन कल इस फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से 100% की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए हैं 5 करोड़ 90 लाख रुपए। और दोस्तों 3 दिनों के कलेक्शंस के साथ इस फिल्म ने जहां इंडिया से तो 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म टोटल 23 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि मैदान को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको सुपरस्टार अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। प्रिया मणि और गजराज राव ने भी फिल्म में काफी अच्छा काम किया है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने 4th दिन एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ती हुई नजर आ रही है, और दोस्तों आज के फिल्म के जो कलेक्शन है वो अपने पहले दूसरे और तीसरे तीनों ही दिनों से कहीं ज्यादा बेटर है। ये फिल्म दोस्तों आज 2 करोड़ रुपए की तो सिर्फ एडवांस लेकर ओपन हुई थी। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के टिकट पर घंटे 10,000 से भी ज्यादा बिक रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 4th दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 8.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का 3 दिनों का कलेक्शन 23 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 34 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। सुपरस्टार अजय देवगन की इस फिल्म को हालांकि दोस्तों एक बड़े बजट के साथ बनाया गया है, यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को हिट होने के लिए अभी ज्यादा कमाई करनी है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर रही है, आने वाले समय में दोस्तों ये फिल्म जरूर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के ओरिजिनल एक्शन सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं। डायरेक्शन क्या है दोस्तों इस फिल्म का, सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में दे चुके अली अब्बास जफर ने। दोस्तों बताते चले आपको कि बड़े मियां छोटे मियां को लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में 3500 स्क्रीन्स दी गई थी। इन 3500 स्क्रीन्स पर दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो ऑडियंस का दिल जीता, लेकिन दोस्तों कई सारे हेटर्स और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज दिए। लेकिन उन नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स
ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 17 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 36 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया और एक तरह से इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ली और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पहली सबसे बड़ी ओपनिंग ली। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों अक्षय कुमार की इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है, वहीं दोस्तों क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म की नेगेटिविटी की जा रही है। लेकिन दोस्तों बता दूं आपको कि जिस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद कर लिया उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रोकना काफी मुश्किल होता है और दोस्तों वही चीज यहां पर अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के साथ हमें देखने को मिल रही है। सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बेहतरीन कॉमेडी और एक्शन से सजी इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है और इस फिल्म ने जहां अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 19 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे, जबकि दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 21 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म के 3 दिनों के जो कलेक्शन है वो इंडिया और दुनिया भर के टोटल को मिलाकर 76 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं और दोस्तों आज इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इस फिल्म के कलेक्शंस 3 दिनों के अपडेट हो चुके हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि 3 ही दिनों में इस फिल्म ने मैदान से लगभग 3 गुना ज्यादा कमाई की। लेकिन अगर बात की जाए आज अपने 4थे दिन की, तो दोस्तों आज इस फिल्म को अपने 4थे दिन भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 2.5 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर ओपन हुई थी। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के 12,000 से ज्यादा टिकट बुक माई शो पर सेल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म के इवनिंग और नाइट के कई सारे शो भी आज हाउसफुल है। ये फिल्म भी दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 4थे दिन एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़े को टच कर रही है और लगभग 11.5 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर करने वाली है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो आज लगभग 23 से 24 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 4 ही दिनों में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर टच कर चुकी होगी और दोस्तों उन सभी हेटर्स की बोलती बंद कर चुकी होगी जो कि इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फ्लॉप बता रहे थे या फिर दोस्तों इस फिल्म को फ्लॉप करने के लिए पूरी जी जान लगा चुके हैं। दोस्तों बता दूं आपको कि किसी भी फिल्म को अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाता है या फिर दोस्तों उस फिल्म को रिव्यूज देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स इस फिल्म के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे उनको कुछ दूसरा काम ही नहीं है इस फिल्म की बुराई के अलावा। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहूंगा कि अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों की ही फिल्मों ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उन सभी हेटर्स की बोलती बंद कर दी है जो कि इन फिल्मों को पहले ही दिन से फ्लॉप बता रहे थे। दोनों ही फिल्में दोस्तों विगडेस में भी काफी अच्छी कमाई करने वाली है और आने वाले दोस्तों 1 महीने तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है, यही वजह है दोस्तों कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म का वर्डिक्ट हासिल करने वाली है। आपको दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। Back.